अब जरूरत होगी, सुना, बकवास करने की जरूरत नहीं। कौन सी बकवास? जरूरत होगी तो आए। कौन सी बकवास? तुम बात अपने आप करते हो। कौन सी बकवास? आएंगे। कौन सी बकवास? टिकैत साहब शांति से बकवास कर रहे। शांति से तो पहले भी खिलाफ दिखाता था। कौन सी बंदूक का पैर? अमू जी रिलैक्स, बोलने की हिम्मत नहीं है आप। सूरजपाल जी रिलैक्स, सूरजपाल जी रिलैक्स। टिकैत साहब कुछ बोल रहे हैं। टिकैत साहब आपकी किसी की है नहीं लग रहे। क्या अब ये निकाल देते हैं, अब चले जाते। जब पत्रकार पत्रकारिता भूलकर किसी सत्ता के चौखट की गुलाम बन जाए तब जरूरी हो जाता है ऐसे सत्ता के गुलामों को उसकी औकात बताना। तब जरूरी हो जाता है सत्ता के नशे में मदहोश पड़ी मीडिया को उसका जमीर जगाना। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही सत्ता की कुर्सी का एक पांव बनकर रह जाए तब जरूरी हो जाता है उसे आईना दिखाना। पत्रकारिता का धर्म भूल चुके पत्रकारों को उसका धर्म याद दिलाना और महिला पहलवानों के आंदोलन के बीच अर्णब गोस्वामी के चैनल के साथ राकेश टिकैत ने जो कुछ किया वो मात्र संदेश भर था कि अब भी समय है, सुधर जाओ। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुलीरम। 2014 के बाद सरकार के नीतियों के खिलाफ जब भी इस देश में कोई आंदोलन शुरू हुआ है तब तब मीडिया की भूमिका कैसी रही है वो इस देश से छुपा हुआ नहीं है। मीडिया आंदोलनकारियों की आवाज बनने के बजाय उस आवाज को दबाने और कुचलने में लग जाती है। उस आंदोलन में मीडिया आम जनमानस की आवाज उठाने के बजाय सत्ता के चौखट पर लेट कर नित नए अंदाज में प्रकट हो जाती है। चाहे शाहीनबाग का आंदोलन हो जहां इस मीडिया ने अपनी नफरत का, अपने नंगेपन, अपनी बेहूदगी का खुला नमूना पेश किया। आंदोलनकारी महिलाओं को पाकिस्तान परस्त, टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोही बताया। और अगर उसी वक्त ये देश इस नफरती दंगाई मीडिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो इस मीडिया की इतनी हैसियत नहीं बचती कि वो किसान आंदोलन में किसानों के खिलाफ खड़ी हो जाए। लेकिन जब देश के लोगों ने शाहीनबाग का तमाशा बनते देखा, उस पर मजे लेते देखा तो मीडिया ने किसानों के खिलाफ भी वैसी ही नफरती, नीच और भड़काऊ बातें की। किसानों को खालिस्तानी बताया और आंदोलन कर रहे किसानों को जमकर बदनाम किया। और अब इस देश में महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में भी मीडिया की भूमिका सत्ता के भोपू से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। उल्टे ये मीडिया और उसमें बैठे तिहाड़ी संपादक साक्षी मलिक और पीटी उषा के मेडल के बीच तुलना कर रहे हैं। पीटी उषा के मेडल को बड़ा, जबकि साक्षी मलिक विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के मेडल को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को तिहाड़ जेल में होना चाहिए ऐसे लोगों को अब आज तक ने अपने यहां बैठा रखा है तो ऐसे तिहाड़ियों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। जब आधी रात में दिल्ली पुलिस के जवान इन महिला पहलवानों के साथ भिड़ जाते हैं तब भी इस देश की मीडिया और खासकर मीडिया चैनलों में बैठी उसकी महिला पत्रकार ऐसे चुप हो जाती हैं जैसे मानो सत्ता के चरण चाकरी करने का जो टॉनिक इन लोगों ने पिया है उसका नशा ही नहीं उतर पा रहा है। महिला पहलवानों पर दिल्ली पुलिस के रवैया के खिलाफ देशभर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग महिला पहलवानों का समर्थन करने पहुंचे और इसी क्रम में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। राकेश टिकैत ने महिला पहलवानों को हिम्मत दिया और आश्वासन देते हुए साथ में सत्ता में बैठे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम लोग भूलो मत, हमारे 4 लाख ट्रैक्टरों में कोई जंग नहीं लगी है, हम ट्रैक्टर को टैंक बनाना जानते हैं। राकेश टिकैत का महिला पहलवानों के बीच ये कहना था कि इसका बुरा सबसे ज्यादा अर्णब गोस्वामी के गुर्गे को लग गया। उसने राकेश टिकैत से पूछ लिया कि आप हर बार 4 लाख ट्रैक्टरों की धमकी क्यों देते हैं। ये सुनना था कि राकेश टिकैत एजेंडाधारी पत्रकार के सामने अपना आपा खो बैठे और उन्होंने जो कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। मैं क्या बताऊँ, आप वहाँ पहलवानों से मिलके निकले हो, आपने उन्हें समझाया कि यहाँ 4 लाख ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, बात करने से सोल्यूशन निकलेगा। अरे जब जरूरत होगी, सुना, बकवास करने की जरूरत नहीं। कौन सी बकवास? जरूरत होगी तो आए। कौन सी बकवास? तुम बात अपने आप करते हो। कौन सी बकवास? आएंगे। कौन सी बकवास? टिकैत साहब शांति से बकवास कर रहे। शांति से टिकैत साहब, आपकी किसी की है नहीं लग रहे। क्या अब ये निकाल देते हैं, अब चले जाते हैं। तो देखा आपने, अगर मीडिया गोदी मीडिया बन जाए तो जरूरी हो जाता है इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना जैसे राकेश टिकैत ने दिया। अगर गोदी मीडिया आपकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो तो उसके सामने बैठकर चाल बजाने से अच्छा है कि उसका माइक उसके सामने फेंक दो और जाने से पहले अच्छे से समझा दो और हड़का दो जैसे राकेश टिकैत ने किया।
तो राकेश टिकैत किस अंदाज पर, आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।